नमस्कार दोस्तों, अतरंगी फैक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के किसी एक देश से दूसरे देश जाने के लिए उस देश को टैक्स देना होता है और वहां की सरकार से जाने की अनुमति लेनी होती है, जिसको वीजा कहा जाता है। दूसरों देशों की तरह भारत के लोगों को भी दुनिया के किसी और देश को जाने के लिए वहां की सरकार से वीजा लेना पड़ता है, जिसमें से अच्छे खासे पैसे वहां की सरकार को देना होता है। लेकिन मॉरिशस और भूटान जैसे कई सारे देश है, वहां पर जाने के लिए भारत के लोगों को वीजा का पैसा देना नहीं होता है। लेकिन फिर भी वीजा फ्री देशों में जाने के लिए पासपोर्ट बनाना होता है, जिसमें लगभग 2 से 3 हजार रुपए खर्च आ सकता है। लेकिन भारत के पड़ोसी देश नेपाल के साथ भारत का संबंध दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले काफी अलग और खास माना जाता है, क्योंकि भारत के लोगों को नेपाल जाने के लिए किसी भी तरह का पासपोर्ट या फिर वीजा नहीं लेना होता है, जिस कारण भारत और नेपाल के लोग बिना पासपोर्ट के एक दूसरे के देश जा सकते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ इसकी मूल वजह के बारे में, जो शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, नेपाल एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से पहाड़ियों के द्वारा घिरा हुआ है। यही कारण है कि नेपाल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए भारत के ऊपर निर्भर करना होता है, और यही कारण है कि नेपाल को श्रीगिरी कॉरिडोर के जरिए कलकत्ता पोर्ट के साथ हाईवे के द्वारा जोड़ा गया है। व्यापार और काफी सारे कारणों की वजह से नेपाल को और भारत को एक गहरा समझौता कायम करना था, जिस कारण 1950 में भारत सरकार और नेपाल के राजा के बीच एक समझौता हुआ, जिसके आर्टिकल 7 के मुताबिक भारत या फिर नेपाल कोई भी देश का नागरिक बिना पासपोर्ट या वीजा के एक दूसरे के देश जा सकते हैं। नेपाल और भारत के बॉर्डर को पूरी तरह से खोल दिया गया और नेपाल में जाने के लिए भारतीय किसी भी एक परिचय पत्र को लागू किया गया। एक बात जानकर आपको काफी हैरानी हो सकती है कि नेपाल या भारत के लोग बिना पासपोर्ट या वीजा के पूरी जिंदगी एक दूसरे के देश में आसानी से रह सकते हैं। भारत के लोग नेपाल में नेपाल की सरकारी नौकरी को छोड़कर कोई भी नौकरी आसानी से कर सकता है, लेकिन कोई भी भारतीय नेपाल में जमीन नहीं खरीद सकता। लेकिन यह बात जानकर आपको काफी हैरानी हो सकती है कि नेपाल के लोग भारत के कुछ दफ्तर को छोड़कर बाकी सारे दफ्तरों में सरकारी नौकरी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी 2014 के बाद नेपाल के लोगों में एंटी इंडिया सेंटीमेंट बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है,